महाशिवरात्रि में भक्तों का लगा कतार। नवागढ़, लिंगेश्वर नगरी व पीथनपुर, कलेश्वरनाथ व खरौद लक्ष्मेश्वर में शिव मंदिर पर पहुंचे शिव भक्तों का लगा भीड़। आपको बता दें कि जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत नवागढ़ ब्लॉक में आने वाले मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। जल व दूध से अभिषेक किया गया। इसके लिए शिव मंदिरों में तैयारियां अच्छी से की गई। वहीं कांवरियां भी नदियों से जल भरकर भक्तों द्वारा लोट मारते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं। लिंगेश्वर नगरी माँ भगवती की पावन धारा नवागढ़ नगर पंचायत में महाशिवरात्रि से मेला शुरू हो चुका है। वहीं पीथमपुर में एक दिवसीय मेला लगेगा। हालांकि कोरोना काल के मद्देनजर रखते हुए पुलिस विभाग व नगर पंचायत व आयोजन समितियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जा रहा है। महाशिवरात्रि पर अंचल के शिवालयों में हर हर महादेव और जय लिंगेश्वर महादेव, वहीं ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। इसके लिए मंदिरों में जोरदार तैयारी की गई। पीथमपुर के कलेश्वरनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। इसके लिए मंदिरों में साफ सफाई व रंग रोगन भी किया गया। लिंगेश्वर नगरी माँ भगवती की पावन धारा नगर पंचायत नवागढ़ में भी सुबह से पूजा अर्चना किया। वहीं नवागढ़ के वार्ड क्रमांक एक लिगवा पारा लिंगेश्वर महादेव मंदिर के पास सप्ताह भर का मेला लगेगा और जहाँ महाशिवरात्रि लिंगेश्वर नगरी में पहुंचे जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल लिंगेश्वर महादेव का पूजा अर्चना किया। साथ ही भुवनेश्वर के शर्वानी नगर पंचायत अध्यक्ष व अनिल घोड़, उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रेम लाल धीवर, शिव घोड़, जगदीश प्रसाद कश्यप मंडल अध्यक्ष व राजेंद्र कश्यप, पंडित निरंजन कोसली, चामलाल कश्यप, मणि दिवाकर, फरतू धीवर व भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लिंगेश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया। शिवालयों में जल चढ़ाने वाली बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवर लिए बोलबम हर हर महादेव के जयकारों के साथ नदियों से जल भरकर पैदल यात्रा कर शिवलिंगों में जल चढ़ाए। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से ब्यूरो चीफ अजय यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम अवध बिहारी वैष्णव है। श्री लिंगेश्वरनाथ मंदिर का पुजारी हूँ और आज महाशिवरात्रि का मेला आज से शुरू हो रहा है और पुलिस प्रशासन एवं नगर पंचायत द्वारा अच्छा व्यवस्था किया गया है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आप सभी प्रदेश और देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज नवागढ़ में महाशिवरात्रि के लिंगेश्वर मंदिर में मेला लगे हुए हैं, जिमा शासन के कोविड-19 के जो भी नियम है या प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए मेला के यहाँ संचालन होते हैं। बस सबके कह के मैं अपन बड़ी विराम देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ये एक सप्ताह के मेला है, पंचमी के दिन लास्ट रहेगा। पावन पर्व पर यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन की तरफ से दोनों के संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अभी तक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तिवारी, मैं नवागढ़ से ही हूँ और बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे ग्राम नवागढ़ नगर पंचायत में जो लिंगेश्वर महाराज जी हैं वो जमीन फाड़ कर निकले हुए हैं और इसका मान्यता है, हम लोग नहीं जाने 200 साल पहले से इसका मान्यता है। छोटा सा था शालिग्राम के रूप में, बढ़ते बढ़ते वो इतना भयंकर 4.5-5 feet का है और यहाँ महाशिवरात्रि को मेला लगता है, सावन पर्व में भी मेला लगता है। यहाँ मेला व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। यहाँ पुलिस प्रशासन सभी अपने कार्य को सुनिश्चित करते हैं और अभी लॉकडाउन के समय में सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महाशिवरात्रि भगवान भोले शंकर को सब दर्शन के लिए आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और हम भी पालन कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। हाँ, मैं खपरीडी से भगवान शंकर जी के नवागढ़ में दर्शन करे आए हैं। बहुत सुंदर मेला लगे है, बहुत आनंददायक है। बहुत महाशिवरात्रि के पावन पर्व यहाँ जय जयकार हुआ थे
भगवान भोलेनाथ के अति सुंदर मेला लगे हैं।